आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया यूनिट जिसका नाम है सिमुलेशन। सिमुलेशन ये जो टॉपिक है ये एडवांस कॉस्ट मैनेजमेंट जो है, जो सीए फाइनल और सीएमए फाइनल को है, उसके अंदर भी ये आता है। और कैपिटल बजटिंग जो हमको एसएफएम के अंदर है उसमें भी आता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ। ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये बेसिकली मेरा फोकस कैपिटल बजटिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें रहेगा, लेकिन जिनको एडवांस कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी सिमुलेशन सीखना है वो भी ये वीडियो देख सकता है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो सॉल्यूशन रहेगा वो सेम रहेगा, कंसेप्ट सारे सेम रहेंगे, प्रिंसिपल सारे सेम रहेंगे। ठीक है, सिर्फ जो टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पर कैपिटल बजटिंग वाला रहेगा, लेकिन वर्किंग दोनों ही केसेस में सेम रहेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिमुलेशन यानी क्या। अगर आप सिमुलेशन का डिक्शनरी मीनिंग देखो तो इसका मतलब होता है अ मॉडल ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, अ मॉडल ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, जनरली क्या होता है, जब हम कोई बड़ी शिप बनाते हैं या बड़ा एरोप्लेन बना रहे हैं या बड़ी मशीनरी बना रहे हैं या बहुत बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के पहले, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले हम लोग उसका एक मॉडल बनाते हैं। ठीक है, और उस मॉडल जो होता है रेप्लिका होता है वो उस प्रोजेक्ट का, हम लोग उस मॉडल पे वेरियस इनपुट्स लगाकर देखते हैं कि उस इनपुट से उस पर क्या आउटपुट मिल रहा है, उसका आउटपुट हमको क्या मिल रहा है। राइट, तो मान लो एक बड़ी बिल्डिंग हमको बनानी है, तो हमने अब हमको ये कंफ्यूजन था कि भाई वो बिल्डिंग में कौन से सीमेंट यूज करना, तो हमने क्या किया, एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई, थोड़ा सा मॉडल बनाया बिल्डिंग का, और उसमें हमने वो सीमेंट लगाकर देखा कि भाई वो सीमेंट लगाने से हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है। फिर हमने दूसरे कंपनी का सीमेंट लगाकर देखा, उससे क्या रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, रादर देन के भाई पूरी बिल्डिंग ही बना दो और कोई भी एक टाइप का सीमेंट यूज कर लो, वो शायद बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, शायद आपका डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो रादर देन डायरेक्टली रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने से बेटर एक मॉडल बनाओ और जो भी आपको एक्सपेरिमेंट्स करना है, जो भी आपको इनपुट से रिजल्ट क्या आने वाला है वो देखना है, वो उस मॉडल पे आप करो। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मान लो एक कंपनी है, उसको पेट्रोल पंप स्टार्ट करना है। अब पेट्रोल पंप के अंदर पेट्रोल भरवाने के लिए एक लाइन रखना है कि दो लाइन रखना है ये उसको डिसाइड करना है, क्योंकि दो लाइन रखेगा तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। हाँ, अगर बहुत रश रहने वाली है और वो दो लाइन अगर लगाता है तो फिर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी जस्टिफाई है, लेकिन अगर रश कम है और अगर वो दो लाइन लगा दे पेट्रोल भरवाने के लिए तो कॉस्ट बढ़ जाएगा और वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जस्टिफाई नहीं होगा। तो सिमुलेशन में यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि पेट्रोल भरवाने के लिए जब बंदा आ रहा है तो उसको लाइन में कितना वेट करना पड़ रहा है भरवाने के लिए, और जो पेट्रोल भरने वाला है उसको कितना टाइम लग रहा है सर्विस देने के लिए, यानी सर्विस देने वाले को टाइम कितना लग रहा है और सर्विस लेने वाले को टाइम कितना लग रहा है, ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अगर बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम हो रहा है पेट्रोल भरवाने वालों को, इन दैट केस सेकेंड लाइन भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, जहां जहां सर्विस रिसीवर को लाइन लगवानी पड़ती है वो सारे जगह पर हम लोग सिमुलेशन यूज कर सकते हैं। जैसे बैंक में हो गया, कैशियर के पास बहुत लंबी लाइन हो रही है, राइट, तो फिर अब हम लोग एक मॉडल बनाएंगे और मॉडल में देखेंगे कि भाई बैंक में कैशियर की एक लाइन रखना कि दो कैशियर लगवाना। ठीक है, तो अगर कस्टमर्स का वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर हम लोग दो कैशियर लगा सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग दो कैशियर बैंक में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, पहले हम लोग एक मॉडल में देखेंगे इनपुट्स लगाकर कि क्या रिजल्ट हमको मिल रहा है। ठीक है, डॉक्टर के पास भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि डॉक्टर के पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको सर्विस लेने के लिए टाइम कितना लग रहा है और पेशेंट का वेटिंग टाइम कितना है। ठीक है, तो बहुत जगह पर ये यूज हो सकता है। जहां मैथमेटिकली
हम लोग सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वहां पर हम लोग सिमुलेशन यूज कर सकते हैं, राइट। आपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किया होगा, असाइनमेंट प्रॉब्लम किया होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम किया होगा, राइट। ये ऐसे प्रॉब्लम है जिसको मैथमेटिकली सॉल्व किया जा सकता है इक्वेशंस बनाकर। सिमुलेशन वहां यूज होता है जहां पर मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन। देखना, सिमुलेशन इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसीजर विच डिस्क्राइब्स द प्रोसेस बाय डेवलपिंग अ मॉडल ऑफ दैट प्रोसेस बाय डेवलपिंग, फिर से रीड करना, बाय डेवलपिंग अ मॉडल ऑफ दैट प्रोसेस एंड देन कंडक्टिंग अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज ट्रायल एंड एरर। उस मॉडल पे हम लोग ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे टू प्रोडक्ट द बिहेवियर ऑफ द प्रोसेस ओवर टाइम। तो वो इनपुट जो हम लोग उस मॉडल पे लगाएंगे, वो इनपुट से हमको क्या आउटपुट मिल रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहा है उस एक्सपेरिमेंट से, वो हम लोग नोट करेंगे। इन ऑर्डर टू सिमुलेशन, इन ऑर्डर इन इन डूइंग अ सिमुलेशन एक्सरसाइज वी मस्ट आइडेंटिफाई द पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स, राइट। अब ये दो वर्ड को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, पैरामीटर्स एंड वेरिएबल, ठीक है। अगर मैं कैपिटल बजटिंग की बात करूं तो कैपिटल बजटिंग के अंदर सिमुलेशन हम क्यों यूज कर रहे हैं, खाली एक एक मिनट के लिए आप ये सोचो। कैपिटल बजटिंग में भी हम सिमुलेशन यूज कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में डिमांड कितना होगा। चलो मैंने मशीनरी खरीद तो ली, लेकिन मशीनरी खरीदने के बाद अगर मार्केट का डिमांड ही बहुत कम रहने वाला है तो, या हो सकता है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, राइट। हो सकता है कि सेलिंग प्राइस 10 रुपीज हो पर यूनिट, 12 हो या 14 हो, हमको आज तो पता नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा, फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा, ठीक है। डिस्काउंट रेट आज 10% है, पर हो सकता है कि आगे चल के डिस्काउंट रेट बढ़ जाए, 11% 12% हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारे अनसर्टन वेरिएबल्स आज हमारे पास अवेलेबल है जिसको यूज करके हम एनपीवी फाइंड आउट करते हैं। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वेरिएबल्स आर टेंड टू चेंज, राइट। तो ये सारे जो वेरिएबल्स मैंने आपको बताए, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट हो गई, डिमांड हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, लाइफ हो गई, डिस्काउंट रेट हो गया, ये सारे पैरामीटर्स और वेरिएबल है। तो इसमें से पैरामीटर क्या है और वेरिएबल क्या है, तो पैरामीटर्स आर दोज विच डू नॉट चेंज ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट पीरियड। आपको लग रहा है कि ऐसा कोई वेरिएबल, ऐसा कोई एलिमेंट जो आगे चेंज नहीं होने वाला है, उसको आप पैरामीटर बोल सकते हो। जनरली जो असेट की कॉस्ट होती है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि असेट की कॉस्ट तो 0 ईयर वाली अमाउंट है। तो 0 ईयर वाला अमाउंट तो जो आज का है एक्चुअल वही रहेगा, इट विल नॉट गोइंग टू चेंज इन द फ्यूचर, ठीक है। तो आप असेट की कॉस्ट को पैरामीटर बोल सकते हो। डिस्काउंट रेट आपको लगता है कि चेंज नहीं होने वाला है तो ये पैरामीटर हो सकता है। असेट की लाइफ आपको लगता है कि चेंज नहीं होने वाली है तो आप उसको पैरामीटर बोल सकते हो, ठीक है। वेरिएबल्स आर दोज विच चेंज ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट पीरियड। आपको लगता है कि ऐसा कोई एलिमेंट जो चेंज होगा फ्यूचर में, उसको आप वेरिएबल बोलो। जैसे आपको ये नहीं पता है कि भाई डिमांड कितनी रहेंगी, डिमांड कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, वी डोंट नो फॉर श्योर व्हाट विल बी द डिमांड, राइट। तो अगर आप श्योर नहीं हो तो आप उसको वेरिएबल बोल दो, राइट। तो पैरामीटर्स वो एलिमेंट्स है जो चेंज नहीं होंगे, वेरिएबल्स वो एलिमेंट है जो आपको लगता है कि चेंज होने वाले है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, पैरामीटर जो चेंज नहीं होने वाले है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। ये प्रोबेबिलिटी कहां रहेगी, जहां पे वो एलिमेंट फ्यूचर में चेंज होने वाला है, ठीक है। जो चेंज नहीं होने वाला है उसका प्रोबेबिलिटी होगा ही नहीं, तो देर विल बी नो प्रोबेबिलिटी फॉर पैरामीटर। एंड वेरिएबल्स अगर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। जैसे मैं बोलूं कि मशीनरी मैंने खरीद तो ली, अब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं पर मुझे ये नहीं पता कि डिमांड कितना रहेगा, तो डिमांड 10,000 भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.50 है। डिमांड 12,000 भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, राइट। पैरामीटर की प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी, वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी रहेगी, राइट। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हम कुछ स्टेप्स देख रहे हैं सिमुलेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के। जब मैं स्टेप्स रीड करूंगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक
ठीक है, जब हम सिमुलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको 100% समझ में आएगा, आई गारंटी। ठीक है, पर फिर भी हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए एक बार रीड कर लेते हैं। आइडेंटिफाई पैरामीटर्स एंड वेरिएबल। अगर मैं कैपिटल बजटिंग की बात करूं तो आपको पैरामीटर्स फाइंड करने हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो चेंज नहीं होने वाले हैं, और वेरिएबल्स फाइंड करो जो चेंज होने वाले हैं। तो पैरामीटर्स के साथ प्रोबेबिलिटी नहीं रहेंगी, वेरिएबल्स के साथ प्रोबेबिलिटी रहेगी। फॉर ईच वेरिएबल अरेंज द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर एंड कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एंड द एंड ऑफ ईच वैल्यू। अब जो वेरिएबल है उसकी वेरिएबल्स के साथ साथ प्रोबेबिलिटी भी रहेंगी, तो आपको वो वेरिएबल को एक तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है, अरेंज करना है, और उसके प्रोबेबिलिटी का क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, और उसमें से हमको रेंज निकालनी है। आई रिपीट, जो भी वेरिएबल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में रहेंगी। अब मेरे को ये बताओ, आप क्वेश्चन में देखकर कैसे फाइंड करेंगे कि ये पैरामीटर है कि वेरिएबल है? तो बहुत सिंपल है, अगर क्वेश्चन में जो भी एलिमेंट के साथ प्रोबेबिलिटी दिए हुई है समझ जाओ वो वेरिएबल है, और जिसके साथ प्रोबेबिलिटी नहीं है मतलब वो पैरामीटर है। ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि जो पैरामीटर है वो सर्टन वाले अमाउंट है, सर्टन मतलब कि जो चेंज नहीं होने वाले है, जो वेरिएबल्स है वो अनसर्टन वाले अमाउंट है, जो अनसर्टन वाले अमाउंट है उसके साथ प्रोबेबिलिटीज रहेगी। तो आइडेंटिफाई करो कौन से वेरिएबल है, वेरिएबल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, वो प्रोबेबिलिटी का क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी करो, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी में से हमको रेंज फाइंड करना है। कैसे करना है वो आपको समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्ट रैंडम नंबर क्लास इंटरवल फॉर ईच वेरिएबल, मैंने बताया अभी। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद हमको उसमें से ये क्लास इंटरवल फाइंड आउट करना है, क्लास इंटरवल मतलब रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, बेस्ड ऑन रैंडम नंबर इन क्लास इंटरवल सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ वेरियस वेरिएबल। अब एक बार आपने क्लास इंटरवल फाइंड आउट कर लिया तो हम रैंडम नंबर यूज करके वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करेंगे, जो वेरिएबल्स यूज करके हमको एनपीवी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कंप्यूट एनपीवी ऑफ ईच सेट, वो सेट का हमको एनपीवी फाइंड करना है। सेट भी बोल सकते हैं, ट्रायल भी बोल सकते हैं, ये हम एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सिंपल एवरेज ऑफ द कंप्यूटेड एनपीवी इज द फाइनल एनपीवी। अब मान लो कि आप लोग 10 ट्रायल कर रहे हो, 10 सेट, 10 ट्रायल या 10 एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपके पास हर एक एक्सपेरिमेंट के बाद एनपीवी रहेगा। वो सारे एनपीवी का सिंपल एवरेज कर लेना, उस सिंपल एवरेज को हम बोलेंगे एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं, आपको यहाँ कंफ्यूज हो रहा होगा, थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं। देखो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज मुझे एनपीवी फाइंड आउट करना है, एनपीवी फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए 0 ईयर का, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चाहिए ओवर द लाइफ, और डिस्काउंट रेट चाहिए। ठीक है, इसमें से मान लो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट और डिस्काउंट रेट पैरामीटर है, पैरामीटर मतलब ये दोनों एलिमेंट सर्टन है, ये चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, जबकि CFAT चेंज होने वाला है, फ्यूचर में आपको लगता है कि ये अनसर्टन वेरिएबल है ये चेंज हो सकता है, तो फिर जो चेंज हो सकता है जो अनसर्टन है उसके साथ प्रोबेबिलिटी रहेगी। राइट, तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ प्रोबेबिलिटी नहीं रहेंगी, डिस्काउंट रेट की प्रोबेबिलिटी नहीं रहेंगी क्योंकि ये दोनों भी सर्टन है। राइट, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हो सकता है कि डिस्काउंट रेट वेरिएबल हो तो डिस्काउंट रेट का फिर प्रोबेबिलिटी भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। राइट, तो मैंने जो अभी एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए, उसके अंदर मैं बता रहा हूं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट और डिस्काउंट रेट पैरामीटर है विदाउट प्रोबेबिलिटी, और जो CFAT है जो आपको लगता है कि अनसर्टन रहने वाला है उसके साथ में आपको प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दिए भी रहेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जो वेरिएबल है CFAT उसका प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्वेश्चन में होगा, मैं उस प्रोबेबिलिटी को लेकर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी करूंगा, और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी करके उसका मैं क्लास इंटरवल बना लूंगा। ठीक है, क्लास इंटरवल कैसे बनाना है वो हम लोग आगे जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको रैंडम नंबर्स दिए हुए रहेंगे। राइट,
रैंडम नंबर्स क्या है, तो रैंडम नंबर नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये रैंडम नंबर्स है, ठीक है, ये 60, 65, 80, 99 कुछ भी हो सकता है। जनरली जो रैंडम नंबर्स होते हैं, अगर टू डिजिट रैंडम नंबर है तो वो 0 to 99 तक होते हैं। आई रिपीट, अगर रैंडम नंबर टू डिजिट है तो वो 0 to 99 के बीच में होते हैं। अगर रैंडम नंबर वन डिजिट है, जैसा 5, 8, 9 वन डिजिट है, तो फिर वो 0 to 9 के अंदर होते हैं, अप टू 9 होता है, 0 to 9। टू डिजिट है तो 0 to 99 के बीच में रहेगा, वन डिजिट है तो 0 to 9 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको रैंडम नंबर दिए रहेंगे, ध्यान में रखना रैंडम नंबर हमको सिर्फ वेरिएबल्स के लिए दिए रहेंगे, पैरामीटर्स के लिए नहीं, ठीक है। तो वो रैंडम नंबर हम यूज करेंगे और वो यूज करके देखेंगे कि वो रैंडम नंबर क्लास इंटरवेल में कहां पे आ रहा है, ठीक है। और उस क्लास इंटरवेल के बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि जो वेरिएबल है वो क्या रहेगा। जैसा वेरिएबल अपने पास, मैंने अपने एग्जाम्पल में वेरिएबल CF80 था, तो हमको वो CF80 मिल जाएगा उस एक्सपेरिमेंट का, उस ट्रायल का, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपको 10 ट्रायल करने के लिए बोला हुआ है तो 10 रैंडम नंबर क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे, ठीक है। अब उस ट्रायल का रैंडम नंबर लेकर क्लास इंटरवेल में देखना है, और क्लास इंटरवेल में देखकर हमको पता चलेगा कि CF80 कौन सा लेना है, ठीक है। अब मुझे उस ट्रायल का NPV फाइंड करना है, तो NPV फाइंड करने के लिए देखो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होने वाला है तो वो हर ट्रायल में सेम रहेगा, डिस्काउंट रेट चेंज नहीं होने वाला है तो वो हर ट्रायल में सेम रहेगा, राइट। CF80 क्योंकि वेरिएबल था विद प्रोबेबिलिटी था, तो वह हर एक्सपेरिमेंट में, हर ट्रायल में डिफरेंट रहेगा। तो हमको फाइंड कैसे करना है, रैंडम नंबर यूज करके हमको फाइंड करना है, राइट। तो एक बार CF80 आ गया, उसका आप NPV फाइंड कर लो। जब आप सेकेंड ट्रायल स्टार्ट करेंगे तो फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लो, डिस्काउंट रेट ले लो जो क्वेश्चन में रहेगा, और रैंडम नंबर यूज करके आपको CF80 लाना है एवरी टाइम, ठीक है। और फिर उसका NPV आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। मुझे अभी भी पता है कि आप लोगों को क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, राइट। अभी ये टॉपिक ही ऐसा है कि अगर मैं कितना भी समझाऊं ना तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आ जाओ, एक्स कंपनी इज इवैल्यूएटिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विच हैज अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बहुत ध्यान से देखना, अनसर्टेनिटी है इसका मतलब ये वेरिएबल है, वेरिएबल है मतलब इसके साथ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में रहेगी। तो देखना, 3 अनसर्टन वेरिएबल्स हमारे पास है। एक ओरिजिनल कॉस्ट, यानी असेट का कॉस्ट क्या होगा वो भी अनसर्टन है। यूजफुल लाइफ कितनी रहेगी कैपिटल असेट की, ये भी अनसर्टन है। और एनुअल नेट कैश फ्लो, एनुअल नेट कैश फ्लो यानी CF80 क्या होगा ये भी अनसर्टन है, ठीक है। तो 3 अनसर्टन है। अब ये 3 अनसर्टन है, आप खाली अपने आप से क्वेश्चन पूछो, मुझे NPV फाइंड करने के लिए और क्या क्या चाहिए ये 3 के अलावा, ठीक है। तो ये 3 के अलावा हमको डिस्काउंट रेट भी चाहिए होगा, तो डिस्काउंट रेट तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है, ठीक है। तो ये समझना, डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में दिया है पर डिस्काउंट रेट अनसर्टन नहीं है। तो आप ये समझना कि जो डिस्काउंट रेट रहेगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%, राइट। तो जो डिस्काउंट रेट है वो सर्टन समझना, क्योंकि तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास नहीं है, ठीक है। चलो, तो जो 3 वेरिएबल्स है अनसर्टन वाले, देखो यहां पे हमको दिए है ओरिजिनल कॉस्ट, यूजफुल लाइफ और एनुअल नेट कैश इनफ्लो, ठीक है। अब ये 3 वेरिएबल्स है अनसर्टन है, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कैपिटल असेट का 60,000 हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। 70,000 हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी है। 90,000 हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी है। और 25,000 भी हो सकता है, ठीक है। यूजफुल लाइफ असेट की 5, 6, 7 ईयर्स हो सकती है, उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। CF80 10,000, 15,000, 20,000 हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। अभी आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था कि जितने भी एलिमेंट वेरिएबल्स है उन सब के लिए प्रोबेबिलिटी को, इन उन सब के लिए रैंडम नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है।
अब एक चीज समझो एकदम अच्छे से कि सिमुलेशन में हमको एनपीवी फाइंड करना है अलग अलग ट्रायल्स का, अलग अलग एक्सपेरिमेंट का। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको 5 ट्रायल्स या 10 ट्रायल्स करने के लिए बोले, ठीक है। एवरी ट्रायल के लिए आपको ओरिजिनल कॉस्ट लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट आपको एक ही लेना है ना, क्वेश्चन में 4 दिए हैं पर आपको तो एक लेना है, ठीक है। यूजफुल लाइफ क्वेश्चन में 3 दिए हैं पर आपको तो एक ही लेना है। एनुअल कैश फ्लो क्वेश्चन में 3 है पर आपको तो एक ही लेना है एनपीवी के लिए। तो मैं कौन सा लू? क्वेश्चन इज कि मैं 4 में से ओरिजिनल कॉस्ट कौन सा लू? आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैं इसका एक्सपेक्टेड कर लेता हूं, एवरेज कर लेता हूं। तो ध्यान दो, आपको एक्सपेक्टेड कैश फ्लो नहीं करना है सिमुलेशन के अंदर। लाइफ का भी आप एक्सपेक्टेड लाइफ नहीं निकाल सकते, इसको भी आप एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते, राइट। ध्यान से सुनो, सिमुलेशन में आपको एक्सपेक्टेड नहीं करना है, सिमुलेशन में आपको 4 में से कोई भी एक लेना है। नाउ क्वेश्चन इज कि मैं कौन सा लू, राइट। हम क्या करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी को क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी करेंगे, उसमें से एक रेंज बनाएंगे, क्लास इंटरवल बनाएंगे, और रैंडम नंबर देखो यहां क्वेश्चन में दिए है, राइट। वो रैंडम नंबर हम लोग वो क्लास इंटरवल में देखेंगे और वहां से हमको मालूम पड़ेगा कि कौन सा ओरिजिनल कॉस्ट हमको लेना है, ठीक है। तो समझना कि ये 4 में से मैं कौन सा लू वो डिपेंड करेगा रैंडम नंबर पे, ये 3 में से कौन सी लाइफ लू वो डिपेंड करेगा रैंडम नंबर पे, सीएफएडी 3 में से कौन सा लू वो डिपेंड करेगा रैंडम नंबर पे, ठीक है। डिस्काउंट रेट कौन सा लू ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि वो 15% है, वही अपने को लेने का है, वो अनसर्टन नहीं है, ठीक है। ये सर्टन है, ये 3 प्रोबेबिलिटी के साथ दिए हैं, मतलब ये अनसर्टन है और ये सर्टन है, राइट। इसको पैरामीटर भी बोल सकते हो आप, राइट। चल क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। द कंपनी वांट्स टू परफॉर्म 5 सिमुलेशन रन। 5 सिमुलेशन रन मतलब 5 ट्रायल हमको करने हैं, 5 ट्रायल करने हैं, मतलब 5 एनपीवी निकालना है। ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स लाइफ द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%, रिस्क फ्री रेट 6% है। फॉर सिंप्लिसिटी इट इज अज्यूम दैट दीज 2 वैल्यूज आर नोन विथ सर्टनटी एंड विल रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। टू सिमुलेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, यूजफुल लाइफ एंड एनुअल नेट कैश फ्लो आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रैंडम नंबर, राइट। अब हमको देखो रैंडम नंबर्स के सेट्स दिए हैं, थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा रैंडम नंबर्स क्या क्या दिए हैं क्वेश्चन में। 9 है, 84 है, 41 है, 92 है, 65 है, यहाँ पे सब जगह कॉमा है और यहाँ पे देखो सेमी कॉलन दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये 5 रैंडम नंबर हो गए किसके लिए, ओरिजिनल कॉस्ट के लिए, क्योंकि 5 ट्रायल्स करने हैं ना हमको, राइट। जितने आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं ना उतने रैंडम नंबर्स क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे, ठीक है। तो 5 ट्रायल्स करने हैं तो ये 5 रैंडम नंबर्स हमको दिए हैं, ये 5 रैंडम नंबर्स ये किसके लिए दिए हैं, ओरिजिनल कॉस्ट के लिए, ठीक है। थोड़ा मैं इसको अलग अलग कर देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। फिर अगले 5 देखना, कॉमा 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 और यहाँ पे सेमी कॉलन है, मतलब ये जो 5 रैंडम नंबर्स है ये यूजफुल लाइफ के लिए है। उसके बाद जो 5 का सेट है ये रैंडम नंबर्स किसके है, एनुअल कैश फ्लो के है, ठीक है। बहुत से बच्चे यहां पर भी गलती कर देते हैं, क्योंकि आप रैंडम नंबर अगर गलत लेंगे तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो वापस एक बार देखो, पहले 5 रैंडम नंबर ओरिजिनल कॉस्ट के, ये 5 यूजफुल लाइफ के और ये 5 कैश इनफ्लो के, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ईच ऑफ द 5 सिमुलेशन रन। अब क्वेश्चन में और क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड एवरेज एनपीवी। ये 5 ट्रायल के 5 एनपीवी तो निकालना ही है, एवरेज एनपीवी निकालना है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव एनपीवी निकालना है और नेगेटिव एनपीवी निकालना है, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं, बहुत सिंपल सा पार्ट है, चलो, ठीक है। अब देखो सिमुलेशन का जो आंसर होता है, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, सिमुलेशन का जो आंसर होता है वो 2 पार्ट में हम लोग करते हैं। पहला पार्ट होता है आंसर का, फर्स्ट पार्ट है रैंडम नंबर कोडिंग, रैंडम नंबर कोडिंग, और सेकेंड पार्ट होता है सिमुलेशन वर्कशीट। पहला पार्ट रैंडम नंबर कोडिंग, दूसरा पार्ट सिमुलेशन वर्कशीट, ठीक
ठीक है। अब पहला पार्ट जो है रैंडम नंबर कोडिंग, उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी वेरिएबल्स है जो अनसर्टन है प्रोबेबिलिटी के साथ जो हमको दिए है, राइट, इसका हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग मतलब मैंने बताया था कि इसको हमको क्यूमुलेट करना है प्रोबेबिलिटी को, इसमें से क्लास इंटरवल निकालना है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा आंसर का। और सेकेंड पार्ट जो रहेगा वो सिमुलेशन वर्कशीट। सिमुलेशन वर्कशीट में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में करने के लिए बोला है वो करेंगे। तो क्वेश्चन में करने के लिए क्या बोला है, हमको 5 सिमुलेशन रन करने हैं, मतलब 5 एक्सपेरिमेंट करने हैं आपको, 5 एक्सपेरिमेंट करके 5 एनपीवी आपको निकालना है, ठीक है। और ये जो जो क्वेश्चन में और करने के लिए बोला होगा, यहाँ पे बोला है एवरेज एनपीवी निकालो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, वो सब जो करना है वो हम लोग सिमुलेशन वर्कशीट में करेंगे, ठीक है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, रैंडम नंबर कोडिंग करेंगे, रैंडम नंबर कोडिंग में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वहां से हमको क्लास इंटरवल निकालना है, और सेकेंड सिमुलेशन वर्कशीट में जो क्वेश्चन में बोला हुआ है वो हम लोग करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आंसर का फर्स्ट पार्ट, रैंडम नंबर कोडिंग करना है ये तीनों के लिए, राइट। तो पहले मैं कर रहा हूं ओरिजिनल कॉस्ट का रैंडम नंबर कोडिंग, राइट, एकदम ध्यान से देखना क्वेश्चन में, देखो थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लेता हूं, ठीक है। तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट क्वेश्चन में हमको तीन और तीन नहीं चार दिए है, 60, 70, 90, 25, 60, 90, 100, आई थिंक ये गलती से आ रहा है, ठीक है। हमारे पास तीन कॉस्ट क्वेश्चन में है और ये तीनों का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, राइट। तो देखो एक कॉलम मैंने बनाया, तीनों कॉस्ट ले लिए और प्रोबेबिलिटी ले ली, राइट। अब मैं क्या करूंगा, एकदम ध्यान से देखना, और ये जो एडवांस कॉस्ट मैनेजमेंट है CACMA को, राइट, वहां पर भी जो आप सिमुलेशन टॉपिक करते हो वहां पर भी सेम ऐसे ही करना होता है। खाली इतना है कि वहां पर टाइप ऑफ क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग वाला नहीं होता है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था पेट्रोल पंप, क्लिनिक, बैंक, वैसे क्वेश्चन होते हैं, पर तरीका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट और प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में हमको दिए हुए तीनों का, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी को क्यूमुलेट कर लेंगे। क्यूमुलेट करना आता है ना आपको, तो एक बार देख लो, 0.30 लिख लिया, फिर 0.30 प्लस 0.60 करो तो 0.90 आ जाएगा, 0.90 प्लस 0.10 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को हमने क्यूमुलेट कर लिया। अब एकदम ध्यान से देखो, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से हमको रैंडम नंबर जनरेट, रैंडम नंबर इसको मैं क्लास इंटरवल बोल देता हूं, ठीक है, क्लास इंटरवल, हमको क्लास इंटरवल बनाना है, क्लास इंटरवल थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो हमने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी, यहां से हमको क्लास इंटरवल जनरेट करना है। कैसे करेंगे, तो ये जो 0.30 है इसको आप 30 रीड करना, 0.90 है उसको 90 रीड करना, और 1 को आप 100 रीड करना, ठीक है। तो 30 में से मैं क्या करूंगा, क्लास इंटरवल बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊंगा, मेरा जो लोअर लिमिट रहेगा वो स्टार्ट होगा 0 से, लोअर लिमिट 0 से स्टार्ट होगा, और अपर लिमिट में क्या करूंगा 30 में से 1 कम करके लूंगा, मतलब मेरा जो पहला क्लास इंटरवल रहेगा वो रहेगा 0 to 99, 0 लोअर लिमिट और 29 इज द अपर लिमिट, ठीक है। 29 कैसे आया, 30 में से एक कम करके 29। अब आप बोलेंगे 30 कहां गया, तो 30 जाएगा सेकेंड क्लास इंटरवल के अंदर, राइट। तो अब देखो यहां पर 90 है, तो जो यहां पे जो क्लास इंटरवल बनेगा उसका लोअर लिमिट 30 रहेगा और अपर लिमिट हमेशा एक कम करके, तो 80 में से एक कम कर दो, 90 में से एक कम कर दो तो 89 हो जाएगा। तो सेकेंड क्लास इंटरवल अपना हो गया 30 to 89। अब 89 यहां पे आया तो 90 कहां जाएगा, अब 90 जाएगा थर्ड क्लास इंटरवल में, तो 90 बन जाएगा थर्ड का लोअर लिमिट,
अब ये 100 है तो 100 में से एक कम कर दो 99, ये अपना क्लास इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, वापस देखो 30 है तो 0 to 29 करना, इसमें से एक कम। अगला 30 to 89 करना, इसमें से एक कम। फिर अगला 90 to 99 करना, इसमें से एक कम। ठीक है, चलो। जो अपना दूसरा अनसर्टन वेरिएबल था वो यूजफुल लाइफ था। तीन यूजफुल लाइफ दिए हैं अलॉन्ग विद द प्रोबेबिलिटी, इसका भी रैंडम नंबर कोडिंग करना है। ठीक है, तो देखो यूजफुल लाइफ 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर, इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। सबसे पहले इसको क्यूमुलेट कर लेंगे हम लोग, तो 0.40 प्लस 0.40 करेंगे तो 0.80 हो जाएगा, प्लस 0.20 करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको आप 40, 80 और 100 रीड करना। ठीक है, पहला क्लास इंटरवल कैसे बनेगा बताओ। 40 है तो एक कम करना है हमको, स्टार्ट करना है 0 से, और अपर लिमिट जो रहेंगी वो इसमें से एक कम करके आएगा। तो 0 to 39 बन जाएगा अपना पहला क्लास इंटरवल। अगला 40 लोअर लिमिट और अपर लिमिट के लिए इसमें से एक कम, तो 40 से 79। लास्ट रहेगा 80 से 99। 99 क्यों? क्योंकि 100 था, इसमें से एक कम करके। तीसरा हमारा वेरिएबल था एनुअल कैश फ्लो। तीन अमाउंट हमको दिए हैं प्रोबेबिलिटी के साथ, राइट? तो इसका भी रैंडम नंबर कोडिंग कर लेंगे। आई थिंक वो जो 25,000 था वो इसका था। ठीक है, 25,000 0.2, एक सेकेंड, 25,000 0.20, ये प्रोबेबिलिटी है ना, सारा मिलाकर 1 होना चाहिए टोटल। 30, 40, 80, 10, 100, ये 1 हो रहा है। ठीक है, तो चल आज जो रैंडम नंबर कोडिंग करेंगे। चार कैश फ्लोज दिए हैं, प्रोबेबिलिटी भी हमको इसकी दी हुई है। जैसा हमने पहले किया था वैसे करेंगे। पहले क्यूमुलेट कर लेंगे इसको, तो 0.10, फिर 0.30 ऐड करके 0.40, फिर 0.40 ऐड करके 0.80, फिर 0.20 ऐड करो, 1 हो गया। अब क्लास इंटरवल बनाओ इसमें से, तो 10 है तो 0 to 9 बन जाएगा, फिर 40 है तो 10 to 39, फिर 80 है तो 40 to 79, और ये 100 है तो 80 to 89। ठीक है, अब हमने ये क्लास इंटरवल क्यों बनाए हैं? हाँ, तो समझना, जब हम लोग सिमुलेशन वर्कशीट स्टार्ट करेंगे, आंसर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें हमको 5 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, मतलब 5 NPV निकालने हैं, राइट? एवरी NPV फॉर फाइंडिंग एवरी NPV यू विल रिक्वायर ओरिजिनल कॉस्ट, यूजफुल लाइफ, CFAT और डिस्काउंट रेट। ये चार चीजें अगर मुझे मिल जाती है तो मेरा NPV आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ओरिजिनल कॉस्ट ये तीन में से कौन सा लूं? तो यहां पर देखना, पहले ये जो 5 रैंडम नंबर दिए हैं उसमें से 0.09 जो है ये ओरिजिनल कॉस्ट के 5 है, ये 5 यूजफुल लाइफ के रैंडम नंबर्स है, और ये 5 कैश फ्लो के रैंडम नंबर्स है। ठीक है, तो देखो जब आप पहला एक्सपेरिमेंट करोगे तो 0.09 जो है ये ओरिजिनल कॉस्ट का रैंडम नंबर है, यूजफुल लाइफ के लिए 24 ले लेना और नेट कैश फ्लो के लिए 7 ले लेना, 9, 24, 7। ये अपना पहला एक्सपेरिमेंट का, पहला ट्रायल का रैंडम नंबर रहेगा। ये 9 जो है ओरिजिनल कॉस्ट का पहला रैंडम नंबर 9, इसको मैं देखूंगा यहां पे क्लास इंटरवल में 9 कहां पे आ रहा है आपको देखना है। ये 9 ओरिजिनल कॉस्ट का रैंडम नंबर है, इसको ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर क्लास इंटरवल में 9 कहां पे आ रहा है देखो। तो 9 आ रहा है 0 से 0 to 29 के बीच में, इसके सामने जो कॉस्ट है ये हमको लेना है 60,000, राइट? तो हमारे पहले एक्सपेरिमेंट के लिए ओरिजिनल कॉस्ट हम 90,000 लेंगे। ठीक है, अच्छा यूजफुल लाइफ कितनी लेंगे? तो यूजफुल लाइफ का रैंडम नंबर कितना है देखो, 24 है। 24 ये अपना यूजफुल लाइफ वाला टेबल है, रैंडम नंबर में 24 कहाँ आ रहा है देखो, 24 0 to 39 के बीच में आ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग लाइफ 5 ईयर्स है। ठीक है, तो हम पहले एक्सपेरिमेंट के लिए जो लाइफ लेंगे वो 5 ईयर्स लेंगे। उसके बाद एनुअल कैश फ्लो का रैंडम नंबर 7 है, 7 है,
ये जो नेट कैश फ्लो का जो हमने टेबल बनाया था वहां पर सेवन कहाँ आ रहा है देखो, तो अगेन सेवन अपना 0 to 9 के बीच में आ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो कैश फ्लो है 10,000 वो लेंगे हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो देखो पहले एक्सपेरिमेंट के लिए 60,000 ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे, लाइफ 5 ईयर्स लेंगे, 10,000 CFAT लेंगे, डिस्काउंट रेट तो 15% लेना ही है। ठीक है, सेकेंड ट्रायल जब आप करेंगे तो फिर ओरिजिनल कॉस्ट का रैंडम नंबर 84 लेना पड़ेगा, यूजफुल लाइफ के लिए 38 लेना पड़ेगा, कैश इनफ्लो के लिए 48 लेना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट जब करेंगे आप तो फिर 41 लेना, 73 लेना और 57 लेना, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आंसर स्टार्ट करते हैं, एकदम ध्यान से देखना, ये अपना फाइनल आंसर है सिमुलेशन वर्कशीट। रन रन यानी एक्सपेरिमेंट, इसको आप ट्रायल भी बोल सकते हो, 5 ट्रायल करने हैं, राइट, 5 एक्सपेरिमेंट करने हैं। अब अगर मैं पहला एक्सपेरिमेंट करूं तो पहले एक्सपेरिमेंट में ओरिजिनल कॉस्ट मुझे फाइंड आउट करना है कि पहले एक्सपेरिमेंट के लिए क्या रहेगा। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट का रैंडम नंबर 9 था, 9 ये क्लास इंटरवल में आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग ओरिजिनल कॉस्ट 60,000 है। तो देखो मैंने रैंडम नंबर 9 लिखा और 60,000 मैंने फाइंड किया, 60,000 कहाँ से आया, रैंडम नंबर 9 पहले क्लास इंटरवल में आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट 60,000 ये हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद देखो एक एक तरीका ऐसा है कि आप सबसे पहले रैंडम नंबर लिख लो सारे के सारे, तो आप वैसा भी कर सकते हो, ओरिजिनल कॉस्ट के लिए ये 5 रैंडम नंबर्स क्वेश्चन में दिए है ना, ये 5। ठीक है, ये आप पहले कॉपी कर लो, 984, 41, 92, 65 ये मैंने कॉपी कर लिए। यूजफुल लाइफ के 5 रैंडम नंबर्स क्वेश्चन में दिए हैं, ये मैंने कॉपी कर लिए, और कैश इनफ्लो के लिए ये 5 रैंडम नंबर्स दिए हैं, तो ये आप कॉपी कर लो। ठीक है, तो एक बार आप रैंडम नंबर कॉपी कर लेंगे ना, तो फिर आपको डायरेक्टली वो रैंडम नंबर को ये 3 टेबल में देखना है और आपको वो करस्पॉन्डिंग ओरिजिनल कॉस्ट, लाइफ और कैश फ्लो मिल जाएगा। ठीक है, चलो 9 रैंडम नंबर मैंने देखा ओरिजिनल कॉस्ट वाले टेबल में, 9 ये क्लास इंटरवल में आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग 60,000 कॉस्ट मैंने लिख लिया। यूजफुल लाइफ का रैंडम नंबर 24 था पहले एक्सपेरिमेंट का, तो यूजफुल लाइफ के टेबल में आपको देखना है क्लास इंटरवल में 24 इसके बीच में आ रहा है, करस्पॉन्डिंग लाइफ देख लो 5 ईयर्स है, मैंने 5 लिखा। एनुअल कैश फ्लो का रैंडम नंबर 7 था, 7 पहले क्लास इंटरवल में आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग 10,000 कैश फ्लो है, 10,000 मैंने लिख लिया, राइट। ये 3 वैल्यूज हमको मिल गई। अब देखना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो डिस्काउंटिंग हम कर रहे हैं ना, वो 6% से कर रहे हैं, 6% देखो रिस्क फ्री रेट है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेकर भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको अजम्पशन डालना है, आप 15% ले रहे हो तो भी अजम्पशन डालो, 6% ले रहे हो तो भी अजम्पशन डालो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको रिस्क फ्री रेट लेकर ही एनपीवी फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाँ ये अजम्पशन हो सकता है कि क्योंकि हमने अनसर्टन कैश फ्लोज को सर्टन बना के लिया, ठीक है, एंड दैट्स वाई हम लोग रिस्क फ्री रेट ले रहे हैं। आपको ध्यान में होगा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट किया था हमने इसके पहले के वीडियो के अंदर, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में हम लोग अनसर्टेन कैश फ्लो को पहले सर्टेन कैश फ्लो में कन्वर्ट करते हैं और फिर डिस्काउंटिंग करते हैं रिस्क फ्री रेट से, राइट। तो वो लॉजिक लगाकर यहां पर हम लोग रिस्क फ्री रेट ले सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को हमने रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंटिंग किया है। अब देखो 10,000 हमने कैश फ्लो फाइंड आउट किया था, ठीक है, लाइफ इसकी 5 ईयर्स है, 6% का प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर आएगा 4.2124। ठीक है, 6% का 5 ईयर्स का प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर आएगा 4.2124। अब 10,000 एनुअल कैश फ्लो है, ये हमको 5 ईयर्स तक मिलने वाला है, 10,000 को प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे
तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा 42,124, इसमें से 60,000 आप ओरिजिनल कॉस्ट माइनस कर दो। पहला एनपीवी हमारा नेगेटिव आया 17,876, यानी पहले रन का, पहले ट्रायल का एनपीवी आया नेगेटिव, राइट। अब हम सेकेंड ट्रायल कर रहे हैं, सेकेंड ट्रायल में आपको फिर से रैंडम नंबर देखना है। सेकेंड ट्रायल का क्या है याद रखना, रैंडम नंबर सिर्फ अनसर्टन वेरिएबल्स का ही होगा। तो 84 रैंडम नंबर था, हमने पहले से कॉपी किया हुआ है। 84 आपको देखना है ओरिजिनल कॉस्ट वाले टेबल में कहां पे आ रहा है, तो 84 देखना सेकेंड इंटरवल में आ रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट है वो हमको लेना है। तो 70,000 ले लिया। यूजफुल लाइफ का रैंडम नंबर था सेकेंड ट्रायल का 38, तो यूजफुल लाइफ वाले टेबल में देखो 38 पहले क्लास इंटरवल में आ रहा है, इसकी करस्पॉन्डिंग लाइफ 5 ईयर्स है। एनुअल कैश इनफ्लो का रैंडम नंबर 48 है, 48 यहां देख लेना, 48 आ रहा है थर्ड क्लास इंटरवल में, उसकी करस्पॉन्डिंग 20,000 कैश इनफ्लो है, ठीक है। और डिस्काउंट रेट तो 6% हम ले रहे हैं। अब 6% का 5 ईयर्स का पीवीएफए वही आएगा 4.2124, 20,000 को 4.2124 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 20,000 को 4.2124 से मल्टीप्लाई किया तो 84,248 आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसमें से आप 70,000 माइनस कर लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 14,248, ये अपना पॉजिटिव एनपीवी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, थर्ड ट्रायल, फिर रैंडम नंबर 41, 41 यहां देख लो, 41 फिर इसमें आ रहा है, 70,000 लेंगे, 70,000 ले लिया। 73, 73 यहां देख लो, 73 इसमें आ रहा है, 6 ईयर्स लाइफ है। फिर 57, 57 देख लो, इसके अंदर आ रहा है 20,000 कैश फ्लो, 20,000 को फोर्थ, अब देखना लाइफ 6 ईयर है ना, तो 6% डिस्काउंट रेट, 6 ईयर लाइफ का पीवीएफए आ जाएगा 4.9173, 4.9173 को 20,000 से मल्टीप्लाई करो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा 98,346, उसमें से 70,000 माइनस किया, एनपीवी आ गया पॉजिटिव, राइट। वैसे ही आपको फोर्थ ट्रायल का करना है और फिफ्थ ट्रायल का करना है, ठीक है। तो ये 5 रन्स होने के बाद ये हमारे 5 एनपीवी आ गए, पांचों एनपीवी का टोटल किया हमने, 33,214 आया, ये हमारा टोटल एनपीवी है 5 रन का, 5 एक्सपेरिमेंट्स का, ठीक है। तो 33,215, 33,214 इसको 5 डिवाइड किया और एवरेज एनपीवी हमने फाइंड किया 6,643 रुपीज, राइट। अगर आप क्वेश्चन में देखो अच्छे से एक बार, तो यहां पर हमको बोला था टू सिमुलेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट यूजफुल लाइफ, नहीं ये नहीं, एक सेकेंड, ये ऑल्सो फाइंड द एवरेज एनपीवी, ये हमने किया, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव एनपीवी एंड नेगेटिव एनपीवी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सा पार्ट है, आप अगर अपने 5 एनपीवी देखो तो 5 में से 3 एनपीवी हमारे पॉजिटिव थे, राइट। आई रिपीट, वापस देखो एक बार, 5 एनपीवी हमने फाइंड किए, 5 में से 3 एनपीवी हमारे पॉजिटिव थे और 2 एनपीवी नेगेटिव थे, राइट। तो एनपीवी पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आउट ऑफ 5 रन 3 बार हमारा एनपीवी पॉजिटिव आया था, तो 3/5 करेंगे तो 0.6 हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव एनपीवी फाइंड आउट करना है, तो 5 में से 2 एनपीवी नेगेटिव आए थे, तो आप 2/5 कर सकते हो या 1 - 0.6 भी कर सकते हो, ठीक है, हो गया। अब देखो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं, तो वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपीवी मोर देन 10,000, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपीवी मोर देन 10,000, ठीक है। तो अब देखो इसमें से कौन सा एनपीवी मोर देन 10,000 है, तो ये है 1, ये है 2 और ये है 3,
तीन एनपीवी ऐसे हैं कि जहां प्रोबेबिलिटी मोर देन 10,000 है, तो फिर अपना आंसर वही रहेगा 3/5, राइट। अगर वो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपीवी मोर देन 20,000, तो देखो ये पांच में से ये एक ही एनपीवी अपना मोर देन 20,000 है, तो अपना प्रोबेबिलिटी रहेगा 1/5 यानी 0.2। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलो कम ऑन, क्वेश्चन नंबर टू करते। अल्फा लिमिटेड इज इवैल्यूएटिंग एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दैट विल एनेबल देम टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। अ मार्केट सर्वे कंडक्टेड बाय देम शोज द फॉलोइंग डिमांड लेवल्स, कैश फ्लो पर यूनिट एंड द लाइकली इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दीज अनसर्टन वेरिएबल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको देखकर फाइंड करना है कि कौन से पैरामीटर है और कौन से वेरिएबल्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो तीन वेरिएबल्स है, तीन अनसर्टन वेरिएबल्स है, डिमांड, डिमांड यानी यूनिट, यूनिट सोल्ड जो होगा, तो ये यूनिट सोल्ड अनसर्टन है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पर यूनिट यानी CFAT पर यूनिट क्या रहेगा ये भी अनसर्टन है, प्रोबेबिलिटी के साथ दिया हुआ है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जीरो ईयर में आउटफ्लो कितना होगा, असेट की कॉस्ट कितनी रहेगी ये भी अनसर्टन है, राइट। देखो फाइव, फाइव नहीं सेवन, सेवन डिमांड है जो पॉसिबल है, जो अनसर्टन है, और उनकी प्रोबेबिलिटीज भी हमको दिए हुई है। ठीक है, अब देखो जैसा रैंडम नंबर यूज करके हम डिमांड फाइंड करेंगे, वो डिमांड को CFAT पर यूनिट ही है, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगे, यहां से CFAT पर यूनिट मिल जाएगा, तो नंबर ऑफ यूनिट्स को CFAT पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल CFAT मिल जाएगा। ठीक है, अब CFAT आ गया टोटल, और जीरो ईयर का इन्वेस्टमेंट है, बहुत इजीली हम लोग NPV फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखना, यूजिंग सिमुलेशन प्रोसेस ओवर 10 ट्रायल्स, 10 ट्रायल्स हमको करने हैं, असेस द लीस्ट लाइकली कैश फ्लो, लीस्ट लाइकली कैश फ्लो मतलब ये 10 ट्रायल करके 10 में से कौन से ट्रायल में कैश फ्लो सबसे कम रहेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और वो जो लीस्ट कैश फ्लो जो रहेगा उसके सामने की करस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट कितनी है वो भी हमको फाइंड करना है। ये आंसर का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, गिव योर रिकमेंडेशन whether the NP, whether the company can take up this project with life of 7 year। अब देखो पिछले क्वेश्चन में जो लाइफ थी ना वो अनसर्टन थी, प्रीवियस क्वेश्चन में लाइफ वॉज अनसर्टन, राइट, प्रोबेबिलिटी दिया था, यहाँ पे लाइफ अनसर्टन नहीं है, लाइफ 7 years बोला हुआ है, इसका मतलब लाइफ को हम पैरामीटर बोल सकते हैं जो सर्टन है, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 9%, ये डिस्काउंट रेट है, ये भी पैरामीटर है, ये भी सर्टन है, जो दो पैरामीटर है, और ये तीन क्या है अनसर्टन वेरिएबल्स है। ठीक है, तो जो रैंडम नंबर्स क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे वो किसके रहेंगे, अनसर्टन वेरिएबल्स के रहेंगे, ये हमको याद रखना, और कितने रैंडम नंबर दिए रहेंगे जितने ट्रायल है उतने, 10 ट्रायल है तो देखो 10 रैंडम नंबर हमको दिए हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, हमको क्या करना है, गिव योर रिकमेंडेशन वेदर द कंपनी कैन टेक अप दिस प्रोजेक्ट विद लाइफ ऑफ 7 ईयर्स इफ एक्चुअल आउटकम वेयर ऑन पार विद द लीस्ट लाइकली कैश फ्लो। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखना, यहां पर हमको बोला था लीस्ट लाइकली कैश फ्लो फाइंड करो। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है कि एनपीवी फाइंड करो, लेकिन एनपीवी हमको 10 ट्रायल का नहीं फाइंड करना है, एनपीवी हमको सिर्फ उसी ट्रायल का फाइंड करना है जहां पे हमारा कैश फ्लो सबसे कम है। ठीक है, अब ये पहले और सेकेंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि पहले क्वेश्चन में हमने 5 ट्रायल्स किए थे और सारे ट्रायल्स का एनपीवी फाइंड आउट किया था, सेकेंड क्वेश्चन में हम 10 ट्रायल करने वाले हैं, लेकिन हमको सिर्फ एनपीवी 10 ट्रायल का नहीं फाइंड करना है, हमको सिर्फ एनपीवी उसी ट्रायल का फाइंड करना है जिस ट्रायल में हमारा कैश फ्लो सबसे लो रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन का अगला पार्ट है, वट इज द मैक्सिमम रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट लेवल इफ द लीस्ट CFAT मटेरियलाइजेस। ठीक है, ये क्या है हम लोग बाद में देखते हैं। यूज द फॉलोइंग रैंडम नंबर सीरीज टू बी यूज इन ग्रुप्स ऑफ 10 फॉर
for each of the three अनसर्टन वेरिएबल्स, राइट? तो तीन अनसर्टन वेरिएबल्स कौन से है? डिमांड, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स और लाइकली इन्वेस्टमेंट. ये तीन, ये तीनों के लिए ये रैंडम नंबर हमको दिए है. अब थोड़ा सा सोचो कि ये रैंडम नंबर आप कैसे यूज करेंगे. अब देखो 10 ट्रायल है ना, राइट? तो 10 ट्रायल के लिए, 10 ट्रायल के लिए देखो कॉलम्स काउंट करो आप. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉलम्स दिए हैं. मतलब ये जो पहला कॉलम है ये फर्स्ट ट्रायल के तीन रैंडम नंबर है. ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट के तीन रैंडम नंबर है, राइट? ये थर्ड के, ये फोर्थ के, फिफ्थ के एंड सो ऑन. ठीक है, तो पहले ट्रायल के जो तीन रैंडम नंबर है उसमें 28 है, 19 है एंड 18 है. तो पहले ट्रायल में हमको फाइंड करना पड़ेगा डिमांड कितना, CF80 कितना और लाइकली इन्वेस्टमेंट कितना. ठीक है, तो डिमांड के लिए रैंडम नंबर हमको लेना पड़ेगा 28, CF80 के लिए हमको रैंडम नंबर लेना पड़ेगा 19 और लाइकली इन्वेस्टमेंट के लिए हमको रैंडम नंबर लेना पड़ेगा 18. तो ये तीन रैंडम नंबर से डिमांड मिल जाएगा, CF80 मिल जाएगा और इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा. जब सेकेंड ट्रायल करेंगे तो फिर ये तीन नंबर ले लो, थर्ड ट्रायल के लिए ये तीन नंबर ले लो. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आंसर. आंसर का हमारा फर्स्ट पार्ट एज यूजुअल क्या रहेगा, रैंडम नंबर कोडिंग हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है, रैंडम नंबर कोडिंग हम लोग वो सारे अनसर्टन वेरिएबल्स के लिए करते हैं जो अनसर्टन है. ठीक है, जिनके प्रोबेबिलिटी हमको दी हुई है. तो स्टार्ट करो, पहला अपना जो रैंडम नंबर है, रैंडम नंबर कोडिंग है, वो हमको करना है डिमांड के लिए, राइट? तो देखो यहां पर डिमांड के नंबर्स दिए है यानी यूनिट्स है और ये उसकी प्रोबेबिलिटी है. आ जाओ डिमांड के यूनिट्स, उसकी प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी को क्यूमुलेट कर लिया हमने. ठीक है, क्यूमुलेट करने के बाद वहां से रैंडम नंबर निकाला. रैंडम नंबर कैसे निकाला वापस एक बार बताता हूं, देख लेना. ये 0.05 है, इसको 5 रीड करना. तो पहला आपका इंटरवेल जो बनेगा, क्लास इंटरवेल, वो 0 to 4 बनेगा. मैंने बताया था 5 से एक कम कर देने का, 0 to 4. फिर ये 5 कहाँ जाएगा, तो 5 जाएगा नेक्स्ट क्लास इंटरवेल में. ठीक है, 5 to 14, 14 क्यों लिया, 15 में से एक कम करके. फिर नेक्स्ट रहेगा 15 से 34, 35 में से एक कम करके 34. फिर 35 to 64, 65 to 84, 85 to 94 और 95 to 99. ये 1 है, 1 को 100 रीड करना, तो 95 to 99, राइट? मैंने बताया था के जो रैंडम नंबर्स होते हैं वो अगर 2 डिजिट है तो 0 to 99 के बीच में होते हैं. इसीलिए हमारा जो क्लास इंटरवल है ना, वो 99 पे एंड हो गया. ठीक है, और अगर रैंडम नंबर्स क्वेश्चन में 1 डिजिट वाले दिए हैं तो क्लास इंटरवल भी आपका जो रहेगा ना, वो 0 to 9 तक ही रहेगा. ठीक है, चल उसके बाद सेकेंड अनसर्टन वेरिएबल था कैश फ्लो पर यूनिट. तो ये है कैश फ्लो पर यूनिट और ये उसका प्रोबेबिलिटी. तो कैश फ्लो पर यूनिट प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, उसको हमने क्यूमुलेट कर लिया. क्यूमुलेट करके उसका क्लास इंटरवल फाइंड किया. थर्ड लाइकली इन्वेस्टमेंट है, तो ये लाइकली इन्वेस्टमेंट लैक्स में दिया है, 30 लाख 40 लाख 50 लाख, और ये उसका प्रोबेबिलिटी. तो उसका रैंडम नंबर कोडिंग हमने किया, वैल्यू प्रोबेबिलिटी, इसको क्यूमुलेट कर लिया. क्यूमुलेट करके इसका क्लास इंटरवल निकाला. ठीक है, अब आ जाओ आंसर पे. थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लेता हूं. हाँ, आंसर में आ जाओ. तो 10 हमको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, 10 रन्स करने हैं. ठीक है, तो हमने एक 10 रन्स का एक कॉलम बना लिया. अनसर्टन क्या क्या है देख लो, डिमांड, CF80 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ये तीन अनसर्टन है. जो अनसर्टन है उसके अंदर आपको दो दो कॉलम बनाने हैं. एक कॉलम रहेगा रैंडम नंबर का और वो रैंडम नंबर से करस्पॉन्डिंग जो हमको यूनिट मिलेगा उसका एक कॉलम. CF80 भी अनसर्टन था तो रैंडम नंबर का एक कॉलम और उसकी जो वैल्यू है उसका एक कॉलम. इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी अनसर्टन था तो उसका रैंडम नंबर का एक कॉलम और अमाउंट का एक कॉलम.
है, तो क्वेश्चन में देख लेना, क्वेश्चन में हमको उसने 10 ट्रायल्स का एनपीवी फाइंड करने के लिए नहीं बोला है। आई रिपीट, 10 ट्रायल्स का एनपीवी नहीं फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें सारे ट्रायल्स का एनपीवी निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने एनपीवी सिर्फ उसी ट्रायल का निकालो बोला जिस ट्रायल में कैश फ्लो जो है वो लीस्ट है। ठीक है, तो इसीलिए हमने जो टेबल बनाया, सिमुलेशन वर्कशीट का टेबल बनाया, इसमें हमने एनपीवी कहीं पर भी फाइंड नहीं किया है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का सिमुलेशन वर्कशीट देखो, यहाँ पे हमने पीवीएफ दिखाया, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फाइंड किया, फिर एनपीवी निकाला, ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ आंसर में। सबसे पहले डिमांड के जो रैंडम नंबर है वो आप कॉपी कर लो, क्वेश्चन में देखना, ये सारे जो रैंडम नंबर है ये डिमांड के हैं, ये सारे 10 रैंडम नंबर्स कैश फ्लो पर यूनिट के हैं इसके, और ये जो 10 रैंडम नंबर्स है वो सारे इन्वेस्टमेंट के हैं, राइट। ऐसे आप अगर देखो तो ये फर्स्ट ट्रायल के लिए ये 3 नंबर्स अपने को लेना पड़ेगा, सेकेंड ट्रायल के लिए ये 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये पूरे 10 नंबर जो है वो किसके हैं, डिमांड के, राइट। तो ये सारे के सारे 10 नंबर हमने आंसर में कॉपी कर लिया। ये उसके बाद ये सारे 10 नंबर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स के हैं, वो हमने यहां पे कॉपी कर लिया, और अगले जो 10 रैंडम नंबर थे वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के थे, वो हमने यहां पे कॉपी कर लिए। ठीक है, एक बार आपने ये रैंडम नंबर्स कॉपी कर लिए तो फिर आपको सिर्फ करना क्या है, ये रैंडम नंबर देखना है। पहला अपना फर्स्ट नंबर है 28, रैंडम नंबर है 28, देखना डिमांड वाले के अंदर 28 इसमें आ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग 52,500 डिमांड है, 52,500। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि सारे रन का पहले डिमांड फाइंड कर लो, सारे रन का सीएफएटी फाइंड कर लो, और सारे रन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लो। ठीक है, तो 57 देख लो, वापस से 57 इसके अंदर आ रहा है 60,000, तो हमने वो कॉपी कर लिया। फिर 60 डिमांड का ही चल रहा है अपना, 60 इसी में आ रहा है, वापस से 60,000। 17 रैंडम नंबर है, 17 थर्ड क्लास इंटरवल में आ रहा है 52,500, वो हमने लिख लिया, एंड सो ऑन। आपको ये सारे रैंडम नंबर्स यहाँ पे देखने हैं, क्लास इंटरवल में किसके अंदर लाए हो रहा है देखो वो रैंडम नंबर, और करस्पॉन्डिंग जो डिमांड है वो यहाँ पे कॉपी कर लो। सीएफएटी के रैंडम नंबर्स कॉपी कर लिए हमने क्वेश्चन में देखकर, ये रैंडम नंबर्स आपको सीएफएटी वाले टेबल में देखना है, ये अपना सीएफएटी पर यूनिट वाला टेबल है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट रैंडम नंबर था 19, 19 इसके अंदर आ रहा है सेकंड क्लास इंटरवल में, सीएफएटी पर यूनिट अपना 5 रहेगा, तो ₹5 आ गया। फिर 7 रैंडम नंबर्स, 7 आ रहा है फर्स्ट क्लास इंटरवल में, उसकी करस्पॉन्डिंग ₹3, तो 3 लिख लिया। वैसे आपको ये सारे रैंडम नंबर्स सीएफएटी पर यूनिट वाले टेबल में देखना है, और करस्पॉन्डिंग कैश फ्लो पर यूनिट फाइंड करना है, राइट। तो वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। उसके बाद इनिशियल कैश फ्लो, ये भी अनसर्टन वेरिएबल था, रैंडम नंबर्स इनिशियल कैश फ्लो वाला इन्वेस्टमेंट वाला ये अपना टेबल है, इसमें देखना है। फर्स्ट रैंडम नंबर 18 है, 18 पहले क्लास इंटरवल में आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग देख लो 30 लाख है, राइट। ये वैसे ही ये सारे नंबर्स यहां पे देखो और करस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट्स यहां पे लिख लो। ठीक है, चल आगे। अब ये जो डिमांड्स हमने फाइंड किए और सीएफएटी पर यूनिट फाइंड किया, ये यूनिट्स को सीएफएटी पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो, सीएफएटी आ जाएगा, मतलब ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा क्वेश्चन में हमको बोला हुआ था, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट हो गया, असेस द लीस्ट लाइकली कैश फ्लो एंड द करस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट। तो देखो इसमें से लीस्ट लाइकली कैश फ्लो कौन सा है, ये है क्या, देख लो लीस्ट लाइकली, सबसे
में से लीस्ट कैश फ्लो 157,500 है, उसके करस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट कितनी है 40 लाख, राइट। तो ये अपना क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमने कमेंट किया है, देखना। द लीस्ट कैश फ्लो इज 157,500 एंड द करस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट इज 40 लाख, ठीक है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकेंड पार्ट पढ़ो क्या दिया हुआ है। गिव योर रिकमेंडेशन वेदर द कंपनी कैन टेक अप दिस प्रोजेक्ट विद द लाइफ ऑफ 7 years इफ एक्चुअल आउटकम वेर ऑन पार, पार मतलब सिमिलर, वेर ऑन पार विद द लीस्ट लाइकली कैश फ्लो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9%, राइट। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि जो लीस्ट लाइकली कैश फ्लो है, मान लो एक्चुअल कैश फ्लो भी ये आया, अब हम लोग वर्स्ट केस देख रहे हैं, वर्स्ट सिनेरियो देख रहे हैं, राइट। मान लो एक्चुअल कैश फ्लो भी ये आ गया तो एनपीवी कितना आएगा, हमको सिर्फ ये ट्रायल का एनपीवी निकालना है, एक ट्रायल का, ठीक है। तो देखो हमने एनपीवी कैलकुलेट किया हुआ है 157,500, एनपीवी का अपना फॉर्मूला देख लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फाइंड करना है, 157,500 एनुअल कैश फ्लो है, लाइव देखना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 7 years है, पैरामीटर है ये, ठीक है। तो 157,500 PVFA से हमने मल्टीप्लाई किया, कैसे आया PVFA, तो 7 years लाइफ और 9% डिस्काउंट रेट, उसका PVFA 5.0329 आया, ठीक है। तो 157,500 इंटू 5.0329 करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो देखो 40 लाख है, वो माइनस कर दो, एनपीवी नेगेटिव आएगा और बहुत बड़ा नेगेटिव आ रहा है, 32,07,303 नेगेटिव आ रहा है, यानी हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या था एक बार रीड करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट लेवल इफ द लीस्ट CFAT मटेरियलाइजेस, राइट। इसका मतलब ये कि CFAT जो लीस्ट वाला है, मान लो वही अगर अपना एक्चुअल भी आए, एक्चुअल CFAT भी हमारा 157,500 अगर आता है, तो फिर इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए लीस्ट वाले का, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि 40 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट है तो हमारा एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव एनपी वाला प्रोजेक्ट तो हम लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमारा एनपीवी या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो एट द लीस्ट जीरो होना चाहिए। हाँ, अगर जीरो एनपीवी है तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एनपीवी नेगेटिव नहीं चलेगा, जीरो आया, एटलीस्ट जीरो आया तो भी एक बार चल जाएगा, ठीक है। अब एनपीवी जीरो आया तो मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लूंगा, जीरो एनपीवी लाने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, तो ऑब्वियसली हमारा इन्वेस्टमेंट 40 लाख से बहुत कम होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, तो जितना नेगेटिव एनपीवी आया, वापस सुनो अच्छे से, जितना नेगेटिव एनपीवी आया उतना कॉस्ट कम कर दो, राइट। तो 40 लाख में से अगर मैंने 32,07,303 कम कर दिया तो फिर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 7,92,697। इसका मतलब ये कि अगर हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 792,697 होता है तो एनपीवी जीरो आ जाएगा, इन दैट केस वी कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। आर यू गेटिंग इट, डज इट मेक सेंस, हाँ। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन्फोवे लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ एन ऑटोमेटिक पैक मशीन टू रिप्लेस द 2 मशीन विच आर करंटली यूज टू पैक प्रोडक्ट एक्स, द न्यू मशीन वुड रिजल्ट इन रिड्यूस लेबर कॉस्ट। अभी कुछ भी काम का नहीं है, फटाफट एक बार पढ़ना है तो इसको रीड कर लो, ठीक है। द न्यू मशीन वुड रिजल्ट इन रिड्यूस लेबर कॉस्ट बिकॉज ऑफ द मोर ऑटोमेटेड नेचर ऑफ द प्रोसेस एंड एडिशन वुड परमिट प्रोडक्शन लेवल्स टू बी इंक्रीज बाय क्रिएटिंग ग्रेटर कैपेसिटी at the packing stage with an anticipated rise in the demand for product X, it has been estimated that the new machine will lead to increased profit in each of the next 3 years due to uncertainty in demand. However, the annual cash flows including salvage resulting from the purchase of the new machine cannot be fixed with certainty and have therefore been estimated probabilically as follows, right. So main question pe aao, question kya hai,
3 years लाइफ है नए प्रोजेक्ट की, नए असेट की, लेकिन 3 years में कैश फ्लो कितना रहेगा ये अनसर्टन है। ईयर वन का इतना कैश फ्लो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी के साथ दिया हुआ है, ईयर टू का इतना हो सकता है, ईयर थ्री का इतना हो सकता है, ठीक है। मतलब ये तीन को हम अनसर्टन वेरिएबल बोल सकते हैं। अच्छा, लाइफ 3 years है, लाइफ 3 years सर्टन है, पैरामीटर है। असेट का कॉस्ट देखो यहां पे दिया हुआ है 42,000, तो ये भी क्या हो गया, ये भी पैरामीटर हो गया। मतलब ये 3 life और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये 2 सर्टन पैरामीटर्स है, और जो कैश फ्लो 3 साल में मिलेगा ये अनसर्टन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट रीड करो, क्या है, इग्नोरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इग्नोरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। देखो, जब भी हम फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं यानी डिस्काउंटिंग करते हैं, इसका मतलब हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर कर रहे हैं, राइट। फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब भी हम फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं, इट मींस वी आर कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। जब हम फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमको बोला है इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट मींस हमको फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई विच कॉम्बिनेशन ऑफ एनुअल कैश फ्लो विल लीड टू एन ओवरऑल नेगेटिव नेट कैश फ्लो एंड डिटरमाइन द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस अकरिंग, ठीक है। अभी क्वेश्चन समझना, वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये 3 साल के जो कैश फ्लोज है, ठीक है, हमको एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर करना है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करना है, और हमको ये बताना है कि एनपीवी कौन से कॉम्बिनेशन की एनपीवी नेगेटिव आ रही है ये बताना है, और उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ध्यान से सुनो, कौन से कॉम्बिनेशन का एनपीवी नेगेटिव आ रहा है और उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा कि भाई पहले साल 10 का कैश फ्लो है, 10,000 का अमाउंट इन 1,000 से ही है, सेकेंड ईयर में भी 10, थर्ड ईयर में भी 10, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, फिर 10, 10, 20 ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, 10, 10, 30 ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट। तो इसमें कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ये आपको देखना है, और नेगेटिव एनपीवी वाले कॉम्बिनेशन हमको बताना है, राइट। अब देखो बहुत ध्यान से, असेट की कॉस्ट 42,000 है, ये हमारा 0 year का आउटफ्लो है। तो अगर आपका तीनों साल का कैश फ्लो मिलाकर, ये इनफ्लो है ना, तीनों साल का कैश फ्लो मिलाकर अगर आउटफ्लो से कम है तो एनपीवी नेगेटिव आएगा, राइट। तो हमको वो सारे कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं कि जिसका टोटल 42,000 से कम आए, क्योंकि 42,000 से ज्यादा अगर आ रहा है तो एनपीवी पॉजिटिव हो गया। हमको क्वेश्चन में नेगेटिव एनपीवी वाले कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे देखना, ध्यान से देखना, मैं पहला कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, राइट। तो 10,000, 10,000, 10,000, टोटल 30,000 हो रहा है, 30,000 लेस देन 42,000 हो रहा है, इसका मतलब यहां पे मेरा एनपीवी नेगेटिव आएगा, क्योंकि 30,000 का इनफ्लो और 42,000 का आउटफ्लो है, तो यहां पे एनपीवी नेगेटिव आएगा, ये कॉम्बिनेशन हम ले लेंगे, ठीक है। तो आंसर में आ जाओ, आंसर में देखो, पहला कॉम्बिनेशन हमने लिया, ईयर वन का 10, ईयर टू का 10, ईयर थ्री का 10, 10, 10, 10, 30 हो गया, ठीक है। अभी ये प्रोबेबिलिटी पे मत आओ, ये हम लोग लास्ट में करेंगे, अभी सिर्फ कॉम्बिनेशन बना लो। उसके बाद अगला कॉम्बिनेशन, 10, सेकेंड ईयर का भी 10, थर्ड ईयर का मैं 20 ले रहा हूं। अगला कॉम्बिनेशन 10, 10, 20, तो 40 हो गया, अगेन 40 इज लेस देन 42, मतलब एनपीवी नेगेटिव आएगा। आंसर में देखना, 10, 10, 20, ठीक है। चल फिर मैं
ईयर वन का 10 ले रहा हूं, ईयर टू का भी 10 ले रहा हूं, ईयर थ्री का 30 ले रहा हूं, ठीक है। तो 10, 10 और 30 यानी 50 हो गया। नाउ 50 हो गया मतलब एनपीवी अपना पॉजिटिव आ जाएगा ना, क्योंकि 42 से ज्यादा हो रहा ना, तो हमको वो कॉम्बिनेशन लेना ही नहीं है जहां एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, हमको सिर्फ वही कॉम्बिनेशन लेने हैं जहां पे एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, राइट। तो हम लोग ये 10 10 30 वाला कॉम्बिनेशन हमारे आंसर में नहीं लिखेंगे, राइट। चल अगला हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 10 ईयर वन का मैं 10 ले रहा हूं, ईयर टू का देखो ये 10 वाली सीरीज तो हो गई पहली, ठीक है। अब हमको ये 20 वाली सीरीज लेना है, तो मैं 10 लूंगा ईयर वन का, 20 लूंगा ईयर टू का, और फिर 10 लूंगा ईयर थ्री का, समझ में आ रहा है। देखो पहले हमने क्या किया, 10 10 10 10 10 20 10 10 30 ये कर लिया। अब 10 20 10 फिर 10 20 20 फिर 10 20 30 ऐसे करेंगे, राइट। चलो 10 20 10 40 हो रहा है, 40 less than 42,000 है, यानी एनपीवी नेगेटिव आएगा, ये कॉम्बिनेशन हमको लेना पड़ेगा। तो देखो थर्ड कॉम्बिनेशन 10 20 10 ईयर थ्री का, ठीक है। चल आ जाओ, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो भी लिखते जाना है हमको, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी हमको लिखते जाना है, ठीक है। आ जाओ अगला कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 10 20 10 अपना हो गया ना, अब 10 20 20 करेंगे। तो 10 20 20 किया तो 50 हो गया, 50 इससे ज्यादा है मतलब एनपीवी पॉजिटिव आएगा, इसको इग्नोर करो। 10 20 30 ये 60 हो गया, यहां पर भी एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, इसको भी इग्नोर करो, राइट। अब हम देखेंगे 10, अब यहां से 30 ले लो, हमने 10 20 वाला सीरीज कंप्लीट कर लिया, अब 10 30 10 कितना हो रहा, 50, अगेन एनपीवी पॉजिटिव है, इसको भी इग्नोर करो। 10 30 20 60 हो रहा है, एनपीवी पॉजिटिव है, इग्नोर। 10 30 30 70 हो रहा है, एनपीवी पॉजिटिव है, इग्नोर करो, राइट। अब देखो हमने 10 वाली सीरीज पूरी कंप्लीट कर ली है, अब हमको फिर रिपीट करना है फटाफट 15 वाली सीरीज से, तो 15 10 10 राइट, 35 हो रहा है, 35 less than 42 है मतलब एनपीवी नेगेटिव आएगा, ये कॉम्बिनेशन हमको लेना है। तो 15 10 10 ये हमने लिया आंसर में। चल अब 15 10 20 तो ये 45 हो रहा है, राइट, मतलब मोर देन 42, एनपीवी पॉजिटिव आ जाएगा, ये इग्नोर करो। 15 10 30 राइट, मोर देन 42 हो रहा है, इग्नोर करो। 15 20 10 राइट, ये 45 हो रहा है, इसको भी इग्नोर करो। 15 20 20 मोर देन 42 हो रहा है, इग्नोर करो। 15 20 30 मोर देन 42 इग्नोर करो। 15 30 20 10 मोर देन 42 जा रहा है, इग्नोर करो। 15 30 20 मोर देन 42 15 30 30 मोर देन 42 इग्नोर। अब 20 वाली सीरीज देखो, 20 10 10 40 हो रहा है, राइट, 40 इज लेस देन 42 ले लो, देखो 20 10 10 साथ में प्रोबेबिलिटी लिखना भूलना मत। अब देखो तुम बाकी सारे कॉम्बिनेशन लेंगे ना, तो वहां पे तुम्हारा एनपीवी 42 के ऊपर हो जाएगा, एनपीवी पॉजिटिव आएगा, हमको पॉजिटिव एनपीवी वाले लेना नहीं है, राइट। तो एक बार देख लो, आपने अगर 20 10 20 किया तो मोर देन 42, 20 10 30 किया तो मोर देन 42, बाकी सारे कॉम्बिनेशन आप देख लो मोर देन 42 हो जाएगा, हमको वो सारे इग्नोर करने हैं, ठीक है। चलो आंसर पे आ जाओ, तो ये 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशन ऐसे हमको मिले कि जहां पे हमारा एनपीवी नेगेटिव आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, देखो मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने हीलियर्स मॉडल देखा था, और मैंने हीलियर्स मॉडल में बताया था कि कैश फ्लोज जो होते हैं एवरी ईयर के, वो
या तो डिपेंडेंट होते हैं या तो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी एवरी ईयर की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पे कैश फ्लोज इंडिपेंडेंट है, अज्यूम करो। पहला कॉम्बिनेशन ये है अपना, ठीक है। तो पहले कॉम्बिनेशन में 10 का प्रोबेबिलिटी 0.3 था, ये 10 का प्रोबेबिलिटी 0.1 था, ये 10 का प्रोबेबिलिटी 0.3 था। तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। तो पहले कॉम्बिनेशन का हमारा नेगेटिव एनपीवी आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.009। सेम वैसे ही 0.3, 0.1, 0.5। तो दूसरे कॉम्बिनेशन में एनपीवी नेगेटिव आने का प्रोबेबिलिटी है 0.015। सेम वैसे ही थर्ड का किया, फोर्थ का किया, फिफ्थ का किया, और ये सारे प्रोबेबिलिटी को प्लस कर लेना, 0.063 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव एनपीवी, यानी एनपीवी नेगेटिव आएगा उसकी ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब 0.063 को आप 6.3% बोल सकते हो, यानी 6.3% है कि एनपीवी आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखना। अभी ना देखो, फर्स्ट पार्ट में सिमुलेशन यूज नहीं हुआ, सेकंड पार्ट में भी सिमुलेशन यूज नहीं हुआ, हमको सिमुलेशन टेक्निक थर्ड पार्ट में करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कैश फ्लो फॉर ईच ईयर। भाई लोग ध्यान में रखो, एवरेज कैश फ्लो फॉर ईच ईयर कैसे आएगा, एवरेज कैश फ्लो फॉर ईच ईयर एक्सपेक्टेड करते ना हम लोग, वैसे एक्सपेक्टेड करना है, ठीक है। सिमुलेशन यूज नहीं कर रहे हम लोग अभी, हम लोग सिमुलेशन क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में यूज करेंगे। यहाँ पे उसने बोला एवरेज कैश फ्लो यूज करो, तो इसका एक्सपेक्टेड कर लेंगे, ईयर वन का, ईयर टू का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कर लेंगे, ईयर थ्री का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कर लेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज कैश फ्लो फॉर ईच ईयर कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द न्यू मशीन गिवन दैट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। एनपीवी करना है हमको, और 15% डिस्काउंट रेट है, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स भी हमको 15% के क्वेश्चन में दिए हुए हैं, राइट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर में आ जाओ। देखो ईयर वन का एक्सपेक्टेड वैल्यू किया हमने, ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फाइंड किया यानी एवरेज किया, एवरेज कैश फ्लो आया 15,000। ईयर टू का वैसे ही 29,000 आया, ईयर थ्री का 19,000 आया, राइट। अब इसका एनपीवी हमको फाइंड आउट करना है, तो 15 फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो है, उसको फर्स्ट ईयर के पीवीएफ से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड ईयर का 29 है, 29 को सेकेंड ईयर के पीवीएफ से मल्टीप्लाई किया। थर्ड ईयर का 19 है, उसको थर्ड ईयर के पीवीएफ से मल्टीप्लाई किया। ये तीनों को प्लस करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया 4,74,634 है। नहीं एक सेकेंड, ये पॉइंट्स में है, राइट। ये है ना, ऐसा होगा 47,4634, 47,4634। उसमें से 42,000 आउटफ्लो क्वेश्चन में दिया है, इनिशियल आउटफ्लो, ये माइनस कर लेना, 5,463,000 में है। वैसे थाउजेंड्स में आने वाला है वो, 5,463 का हमारा एनपीवी आ गया पॉजिटिव, ठीक है। पहले दो पार्ट में हमने सिमुलेशन यूज नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पे आ जाओ, यहां पर हमको सिमुलेशन के हिसाब से सॉल्व करना है। एनालाइज द रिस्क इनहेरेंट इन द सिचुएशन बाय सिमुलेटिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। यू शुड यूज द रैंडम नंबर गिवन एट द एंड ऑफ द इलस्ट्रेशन इन फाइव सेट्स ऑफ कैश फ्लो। फाइव सेट, देखो पांच सेट्स दिए, पांच सेट का मतलब रन, फाइव रन हमको करना है, फाइव रन हमको करना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ योर सिमुलेशन रिजल्ट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एनपीवी एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द न्यू मशीन यील्डिंग अ नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। हमको नेगेटिव एनपीवी का प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखना यहाँ पे जो रैंडम नंबर्स हमको दिए है ना, वो एक डिजिट के दिए है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रैंडम नंबर अगर दो डिजिट के है
तो वो 0 to 99 के बीच में हो सकते हैं, और अगर रैंडम नंबर 1 डिजिट के है तो वो 0 to 9 के बीच में हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे हमको रैंडम नंबर 1 डिजिट के दिए हैं। चल तो देखो, ईयर 1 के ये 5 रन के, 5 एक्सपेरिमेंट के रैंडम नंबर है, ईयर 2 का जो कैश फ्लो है उसके लिए ये, और ईयर 3 के कैश फ्लो के लिए ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर में आ जाते हैं। सिमुलेशन वर्कशीट के पहले हमको रैंडम नंबर कोडिंग करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लूँ, नहीं चलो ठीक है चलेगा। देखना ईयर 1 का क्वेश्चन में देख लेना, ईयर 1 का कैश फ्लोज दिया है और प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, ईयर 1 के कैश फ्लोज और ये इसके प्रोबेबिलिटी, इसको क्यूमुलेट कर लेंगे तो 0.3, 0.7 एंड 1। अभी आपको बहुत ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पे जो क्लास इंटरवेल बनाना है वो 2 डिजिट का नहीं बनाना है, 1 डिजिट का बनाना है, 1 डिजिट का बनाना है। क्यों 1 डिजिट का? क्योंकि जो रैंडम नंबर्स क्वेश्चन में है वो भी 1 डिजिट के है। पिछले 2 क्वेश्चन में हमने जो क्लास इंटरवेल बनाया था, रेंज बनाया था, वो 2 डिजिट का बनाया था क्योंकि रैंडम नंबर भी 2 डिजिट के थे। यहाँ पे रैंडम नंबर 1 डिजिट का है, 1 डिजिट का है, राइट? तो रेंज भी हमारा 1 डिजिट का ही रहेगा, राइट? तो एकदम ध्यान से बनाना। अब ये 0.3 आया तो इसको हम 3 रीड करेंगे, 30 रीड नहीं करना है आपको, अब इसको 3 रीड करना है क्योंकि सिंगल डिजिट का अपना क्लास इंटरवल बनने वाला है। ये 7 है, 0.7 है, इसको 70 रीड नहीं करना, 7 रीड करना, और जो 1 है उसको 10 रीड करना, 100 रीड नहीं करना। पहले 2 क्वेश्चन में हमने इसको 100 रीड किया था क्योंकि 2 डिजिट तक का अपना क्लास इंटरवल था। ठीक है, अब इसको हमको 3 रीड करना है, 7 रीड करना है और 10 रीड करना है। नाउ अब 3 मतलब रेंज कैसे बन जाएगा? तो स्टार्ट करना है 0 से, 0 to 2 करना पड़ेगा ना, एक कम ना, 3 से एक कम, राइट? तो 0 to 2, अगला 3 यहां पे आ जाएगा, 3 to 6 बनेगा, 6 कैसे? 7 में से एक कम, और नेक्स्ट जो बनेगा वो 7 to 9 बनेगा, 9 कैसे? ये 10 है ना, तो 10 में से एक कम, 9। ईयर 2 के कैश फ्लोज दिए हैं क्वेश्चन में, उसकी ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ठीक है, क्यूमुलेट कर लिया हमने, क्यूमुलेट करने के बाद इसको कैसे रीड करना? इसको 1 रीड करना, इसको 3 रीड करना, इसको 7 रीड करना, इसको 10 रीड करना। अगर रैंडम नंबर 2 डिजिट के क्वेश्चन में है तो इसको आपको 10 रीड करना पड़ेगा, इसको आपको 30 रीड करना पड़ेगा, इसको 70 और इसको 100 रीड करना पड़ेगा। ठीक है, चल अभी इसको हम 1 रीड करेंगे, राइट? तो अपना पहला क्लास इंटरवल कैसे बनेगा? पहला बनेगा अपना 0 to 0। 0 to 0 क्यों? क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 ही रहने वाला है, अपर लिमिट मैंने क्यों 0 लिया? क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 में से 1 कम करना है ना हमको, एक कम करके लेना है, 1 में से 1 माइनस कर दिया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, ये 1 यहां पे आ जाएगा और 3 में से एक कम करके रेंज बनेगा अपना, तो 1 to 2 बनेगा। फिर अगला बनेगा 3 to 6 और उसके बाद का बनेगा 7 to 9। ईयर 3 का कैश फ्लो दिया है, प्रोबेबिलिटी है, इसको हमने क्यूमुलेट कर लिया, रेंज बना लिया। ठीक है, आ जाओ अब हमको एनपीवी फाइंड आउट करना है। 5 ट्रायल्स हमको करने हैं, 5 एक्सपेरिमेंट्स हमको करने हैं। तो कैसे करेंगे देख लो, सबसे पहले ट्रायल वाला एक कॉलम बना लो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 के कैश फ्लो हमको ये टेबल में से आइडेंटिफाई करने हैं। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 का एक ये बना लिया। ठीक है, इनिशियल आउटफ्लो क्वेश्चन में दिया है 42,000 का, इसका एक कॉलम, एनपीवी का एक कॉलम। तो अब देखो रैंडम नंबर्स पहले हम लोग कॉपी कर लेंगे क्वेश्चन में देखकर। तो ईयर 1 के ये रैंडम नंबर्स है 47650, ये हमने कॉपी कर लिए 47650। ईयर 2 के रैंडम नंबर्स 24801, ये हमने ईयर 2 में कॉपी कर लिए, और ईयर 3 के रैंडम नंबर्स यहाँ कॉपी कर लिए, राइट? अब सबसे पहले आप रैंडम नंबर देखो और कैश फ्लो फाइंड करो। ईयर 1 का पहले कर लेते, ईयर 1 का देख लो 4 रैंडम नंबर है, ईयर 1 में चेक करना पड़ेगा, 4
यहाँ पे आ रहा है फॉर करस्पॉन्डिंग कैश फ्लो, देखो 15,000 है तो 15,000 अमाउंट इन 1,000 है। फिर 7 रैंडम नंबर है, फिर 7 देख लो, 7 यहाँ पे आ रहा है करस्पॉन्डिंग 20,000। फिर 6 रैंडम नंबर है, 6 इसमें आ रहा है करस्पॉन्डिंग 15,000 रैंडम नंबर है, राइट। तो वैसे ही आपको ईयर वन के रैंडम नंबर्स ईयर वन वाले टेबल में देखकर फाइंड करना है। फिर ईयर टू के रैंडम नंबर्स देखो ईयर टू वाले क्लास इंटरवल में, और यहां से आपको ये कैश फ्लो फाइंड आउट करना है। फिर ईयर थ्री के रैंडम नंबर देखो ईयर थ्री वाले क्लास इंटरवल में, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग कैश फ्लोज आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक बार कैश फ्लोज आ गए, अब हम हमारा पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट में कैश फ्लो कितना है देखो, ईयर वन में 15,000 है, ईयर टू में 20,000 है और ईयर थ्री में 20,000 है, राइट। अब एनपीवी फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसको पीवीएफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ईयर वन का, ईयर टू का, ईयर थ्री का पीवीएफ क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, ठीक है। चलो तो 15 को पीवीएफ से हमने मल्टीप्लाई किया, अब जगह नहीं थी इसलिए हमने ये कॉलम बनाया नहीं है, आप वर्किंग में दिखा देना 0.8696। 15 को 0.8696 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा। फिर ईयर टू का 20,000 था, ईयर टू के पीवीएफ से मल्टीप्लाई करो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा। ईयर थ्री का कैश फ्लो 20 आया था रैंडम नंबर टेबल में से, उसके थर्ड ईयर के पीवीएफ से मल्टीप्लाई करो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा, ठीक है। तो ईयर वन का कैश फ्लो, ईयर टू का कैश फ्लो, ईयर थ्री का डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये तीनों डिस्काउंटेड कैश फ्लो को अगर मैं प्लस करूं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगा टोटल, उसमें से इनिशियल आउटफ्लो 42,000 माइनस करो, आपका एनपीवी नेगेटिव आएगा थाउजेंड्स में 0.684 माइनस में आ रहा है, ठीक है। फिर सेकेंड ट्रायल, सेकेंड ट्रायल का भी वैसे ही 20 को मल्टीप्लाई करो पीवीएफ से, 30 को मल्टीप्लाई करो उसके पीवीएफ से, 30 को मल्टीप्लाई करो थर्ड ईयर के पीवीएफ से, डीसीएफ मिल जाएगा। ये तीनों डीसीएफ को प्लस करना, 42 माइनस करना, 17,800 एनपीवी आएगा पॉजिटिव। फिर सेम वैसे ही थर्ड ईयर का एनपीवी, फोर्थ ईयर का एनपीवी, फिफ्थ ईयर का एनपीवी, सारे एनपीवी का टोटल किया मैंने, पांच एक्सपेरिमेंट ना, ये पांच एनपीवी हमने फाइंड किए हैं, ठीक है, पांच एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो टोटल पांच एक्सपेरिमेंट्स का 11.702 आएगा, उसको 5 से डिवाइड करो क्योंकि हमको एवरेज करना है, एवरेज एनपीवी हमारा आया 2340.4, ठीक है। अब क्वेश्चन में और एक चीज हमको पूछी थी कि बताओ पॉजिटिव एनपीवी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पॉजिटिव पूछी थी कि नेगेटिव पूछी थी, नेगेटिव पूछी थी, नेगेटिव एनपीवी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो एक बार काउंट कर लेना, पांच एक्सपेरिमेंट्स में से तीन बार हमारा एनपीवी नेगेटिव आया, पांच में से तीन बार नेगेटिव आया, यानी 3 out of 5, 0.6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव एनपीवी, ठीक है। ये था हमारा सिमुलेशन टॉपिक, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ट्राई करूंगा कि आपके वो डाउट्स क्लियर करूंगा। अब अपना कैपिटल बजटिंग के अंदर एक छोटा सा पार्ट बचता है डिसीजन ट्री, वो कल आएगा उसका वीडियो, ठीक है, और कल हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा कैपिटल बजटिंग का, ठीक है। और उसके बाद मैं लीज और लोन, राइट, उसका एक वीडियो बनाऊंगा जो कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, वो वीडियो को मिस मत करना, उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला पार्ट, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, टेक केयर।